अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इब्तिदा में मैंने थोड़ी सी वो बात अर्ज की थी, वो ये कि जब किसी जगह के मुसलमान नमाज पढ़ सकते हों, रुकावट कोई ना हो, फिर भी ना पढ़े। जब किसी जगह के मुसलमान रोजा रख सकते हों और सुस्ती की वजह से रोजे न रखें। जब किसी जगह के मुसलमान जकात दे सकते हों फिर भी ना दें। जब किसी जगह के मुसलमान हराम कामों से बच सकते हों फिर भी ना बचें। जब किसी जगह के मुसलमान कुरान पढ़ सकते हों फिर भी कुरान के साथ उनका ताल्लुक कायम ना हो। जब किसी जगह के मुसलमान अपनी नबी की एक सुन्नत पर अमल कर सकते हों फिर भी ना करें, तो अल्लाह ताला शानों की तरफ से कभी खतरनाक फैसले आते हैं। वो ये कि जब तुम आजादी के दौर में मेरे दीन पर अमल कर सकते थे फिर भी तुमने अमल नहीं किया, तो मैं ऐसे हालात ले आऊंगा कि तुम चाहोगे भी अमल करना तो कर नहीं सकोगे। उसकी मिसाल नंबर एक उंदुलस की मैंने पेश कर दी थी कि उंदुलस में 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही और बाद में जब खराबियां शुरू हो गई तो वो हालात आ गए कि अगर वो कुरान पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकते थे, अपनी औरतों की किस्मतें बचाना चाहे तो नहीं बचा सकते थे, बल्कि क्या उनके तो जान भी बाकी नहीं रही और वहां के मुसलमान या तो मारे गए या ईसाई बन गए या वहां से फरार हो गए। और इस तरह से 800 साल का मुस्लिम मुल्क जो अजानों से आबाद था, वह 800 साल का मुस्लिम मुल्क कुफ्रिस्तान बन गया। बुखारा और समरकंद, ये वो इलाका था जहां इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, अबू लैस समरकंदी जैसा इंसान, वो इलाका के जहां इमाम साहिब हिदाया अल्लामा बुरहानुद्दीन मरगीनानी रहमहुल्लाह ताला जिस इलाके में थे कि जिस मस्जिद में बैठ करके उन्होंने हिदाया किताब लिखी और 13 साल लगे किताब लिखते हुए और 13 साल मुसलसल उन्होंने रोजा रखा, घर वालों से खाना आता था वो खाना रख देते थे, जब घर वाले वापस चले जाते थे ये खाना किसी गरीब को खिला देते। 13 साल बैठ करके उन्होंने किताब हिदाया नाम की किताब लिखी थी जो जो हदीस और अकली उलूम का मजमुआ है। अल्लामा अनवर शाह साहब कहा करते थे, फरमाते थे, मैं हर किताब का जवाब लिख सकता हूं लेकिन चंद किताबों का जवाब मुझसे नहीं लिखा जा सकता है, उनमें से एक किताब हिदाया भी है। जिस मस्जिद में साहिब हिदाया ने वो किताब लिखी थी उस मस्जिद में शराब खाना चलता है। गरज ये कि जब बुखारा और समरकंद जैसे इलाके में वो हालात आ गए कि वहां कुरान रख नहीं सकते, कलमा पढ़ नहीं सकते, मस्जिदों में ताले लग गए, तो अल्लाह ताला शानों को ताकत है अगर गजबनाक हो जाएं तो उन इलाकों में भी यही हाल हो सकता है जिन इलाकों में मुसलमानों को मौका है वो अपने दीन पर चलें। मेरे भाइयों, इस गलत फहमी में मत रहें कि हमारे लिए वो हालात नहीं आ सकते हैं। हमारी पिछली तारीख में ऐसे हालात आ चुके हैं। चाहे कश्मीर की पिछली तारीख में एक जमाना ऐसा आया था जब सिखों का दौर था, मस्जिदों में ताले लगे थे और जो नमाज पढ़ना चाहता था उसको उसकी जिस्म से खाल निकाली जाती थी सब लोगों के सामने ताकि बाकी लोग नमाज ना पढ़ें। श्रीनगर की जामा मस्जिद में घोड़े बांधे गए थे, तमाम मस्जिदें मिसमार कर दी गई थी, उस वक्त लोग नमाज पढ़ना नहीं पढ़ सकते थे, ये अजाने बैन हो गई थी। जब किसी जगह के मुसलमान अपने दीन की नाकदी करने लगते हैं तो ऐसे हालात आ सकते हैं। और उसकी मिसाल इस बात की मिसाल नहीं कि मुसलमानों ने नाकदरी की, वो तो जुल्म है, लेकिन मिसाल हमारे सामने है बर्मा के हालात, जहां की मस्जिदें खत्म, जहां के मदरसे खत्म, जहां की दाढ़ियों के एक बाल करके नोचते हैं, जहां उलमा को खड़ा कर करके और सुइयां मार मार करके उनको शहीद करते हैं, जहां एक एक मुसलमान खातून के साथ 20-20, 30-30 बल्कि 100-100 आदमी बदकारियां करते हैं और खुलेआम करते हैं, जहां मुसलमान औरतों को खड़ा करके आग लगाकर जला देते हैं, जहां मुसलमान औरतों की गोदों के अंदर उनके बच्चों को जबा कर देते हैं और सारी दुनिया के मुसलमान देख रहे हैं मगर कोई कुछ नहीं कर सकता, जब उन मजलूम मुसलमानों के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है, तो आप बेफिक्र ये मत रहें हमारे साथ अगर कभी ऐसा हुआ तो सारी दुनिया के मुसलमान सरगर्म हो जाएंगे। आज का मुसलमान बेहिस हो चुका है, आज का मुसलमान दुनिया के हुक्मरान, उनके ब्यूरोक्रेट, उनके तमाम हाईकार तबके अपनी याशों में डूबे हुए हैं, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। अपने दीन पर जमने का फैसला करके उठे, अपने ईमान पर कायम रहने का फैसला करके उठे, अपने दीन पर चलने का फैसला लेकर उठे, अपने घरों के अंदर दीनदार घर बनाने का फैसला लेकर उठे, अपने बिजनेसों को मुसलमान बिजनेस बनाने का फैसला लेकर उठे, अपने फंक्शनों को दीन का फंक्शन बनाने का फैसला लेकर के उठे। जब मुसलमान हराम से बच सकता हो और फिर भी ना बचे और शराबें पिए, तो हालात ऐसे आ सकते हैं कि जबरदस्ती मुसलमानों को शराब पिलाई जाएगी। जब मुसलमान दाढ़ी रख सकता हो और न रखे, तो बाद में ऐसे हालात आ सकते हैं कि रखना भी चाहें तो नहीं रख सकते। सारी तुर्की के अंदर मुसलमान दाढ़ी रख नहीं सकता, हालांकि सारा मुसलमान मुल्क है।
ऐसे हालात आ सकते हैं, इसलिए अपने दीन के साथ वफादारी का फैसला करो, वरना तो ऐसा हो सकता है कि अल्लाह, जब तुम मेरे दीन के साथ वफादारी नहीं करोगे तो मैं तुम पर ऐसे हालात ला सकता हूं कि तुम चाहोगे भी मेरे दीन पर अमल करना तो कर नहीं सकोगे। अल्लाह जल्ला शानहू उस बुरे अंजाम से हम सबकी हिफाजत फरमाए, हमारे इन अकाबरीन की हिफाजत हो, मदारिस की, मसाजिद की, दीन के और दीनी इदारों की, दीन के काम करने वालों की और दीन पर जन्ने वालों की मदद फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन।